नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, पूरा इंडिया का एक प्राइम डेस्टिनेशन बनेगा, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते जाए, विश्वास। आई फील आई एम इन हेवन, वी आर ब्लेस्ड दैट इन आवर लाइफ आई हैव मेट विद हिम, सच अ वंडरफुल पर्सन। जाओ जाओ। और तो हरप्रीत, गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीपंकर, ये है चंद्रा और ये है हम लोगों का दो ब्लू एंड गोल्ड मकाओ का बेबी, ह्यूज साइज जायंट ब्लू एंड गोल्ड मकाओ का बेबी। और हम सब मिलकर करते हैं आप सभी को हम लोगों का यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत है। बेबी बर्ड जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जब एकदम छोटा रहता है तब तो कम खाना खाते हैं, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है मतलब पिंक फीडर से आना शुरू हो जाता है और ऐसे ब्लू कलर का फीडर नहीं आता है, तब ह्यूज क्वांटिटी का खाता है। और फिर से जब ऐसे पूरा फेदर आ जाएगा, धीरे धीरे और भी बड़ा हो जाएगा, तभी इन लोगों का क्रॉप थोड़ा सा छोटा हो जाता है। पहले ये तो 100 ml लेता था, अभी 90 ml से ही पूरा इसका क्रॉप फुल हो जाता है। काले चने पानी में भिगो के गुड़ का बॉईल करके सीड्स मिक्स वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब खाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। और हम लोगों का सपना है कि ये लोग धीरे धीरे मतलब हम लोगों का यही जन्म हुआ ब्लू एंड गोल्ड मकाओ या दूसरा सारे स्पेसीज का मकाओ, उसको सनकॉर्नी और बाकी अफ्रीकन ग्रीन जितना सारा स्पेसीज है सब बड़ा होगा। और जो नया फार्म, बहुत बड़ा सा जो नया फार्म बन रहा है, वहाँ जाके बहुत लंबा एवियरी में मन खोल के उड़ान लगाएगा, तभी जाके हम लोग का जो ड्रीम है वो कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा। 12 साल का एज से ये हम लोग का ड्रीम था, मतलब ये तो बाद में आई चंदा 25 साल का एज में, तो बचपन से मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो सपना था कि ऐसे कुछ बनाऊं। ओ देखो अभी अभी उड़ान के लिए तैयार हो रहा है, प्रैक्टिस चालू है, मतलब ये कह रहा है कि हाँ तुम्हारा बात मैं समझ लिया और जल्दी से हम लोग के लिए बड़ा सा एवियरी बनाओ, ओपन आउटडोर एवियरी। और इसका पैर में तो हम लोग ने रिंग लगा भी दिया है, चलना शुरू कर दिया बहुत अच्छे से। हो सकता है बर्ड्स और ह्यूमंस के साथ अगर बॉन्डिंग हो जाए, मतलब मन का मिलन हो जाए, तो अच्छा दोस्त भी बन सकता है ये लोग। 60-70-80 इयर्स तक कोई बार्स तो जी लेता है। ओ देखो ठीक है प्रैक्टिस चालू है। हेलो सर्दी का मौसम आ रहा है, मतलब अभी स्टार्टिंग है और सर्दी का मौसम का ये पहला बारिश है। आज थोड़ा थोड़ा सुबह से बारिश होना शुरू हो गया है, मतलब इसके बाद जो सर्दी आएगा एकदम जबरदस्त जम के सर्दी आने वाला है। और सर्दी का मौसम में सारे बात का हिल अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ता है कि उत्तर दिशा से जो हवा आता है उसको रोक के रखना पड़ता है। और परिचय करना चाहूँगा अमोल सर जी, मतलब रेस्पेक्टेड अमोल सर जी के बारे में तो सभी को पता होगा, आर्किटेक्ट सर जी, अनिर्बन दत्त सर जी, फर्स्ट टाइम हम लोगों का बर्ड ब्रीडिंग फॉर्म पे आया है। और एक्चुअली हम लोगों का जो नया फॉर्म बन रहा है उसका क्या डिज़ाइन होगा, कैसे बनने से सही रहेगा, जो मतलब एक प्लान सर जी को बहुत तंग कर रहा है, तो सर जी बताइए। बहुत अच्छा लगा दीपंकर जी आपसे मिलने के बाद, ये इनिशिएटिव नया कुछ करने का इनिशिएटिव। हम लोग जैसे प्लानिंग करते हैं काफी सारा होटल, फाइव स्टार होटल ये सब के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों का प्लानिंग में हुआ है। एक्चुअली मैंने पूरा मेरा मन का जो बात है, हम लोगों का पैरट दीपंकर यूट्यूब फैमिली का मन का जो बात है, सर जी को पूरा शेयर किया कि ऐसे एक जगह हम लोगों को बनाना है जहां आने के बाद डेली लाइफ छोड़ के दूसरा एक दुनिया के अंदर कोई मतलब आ गया हो, ऐसे फील हो, नेचर, पेड़ पौधा, मछली, पक्षी के अंदर एक नया दुनिया उन लोगों को मिल जाए, यही सोच है। वैसा ही लग रहा है, मुझको देख के वैसा ही लग रहा है, आई फील आई एम इन हेवन। तो दीपंकर जी के बारे में सबसे पहले मुझको बताया अमोल दा ने, हम सबका गार्जियन एंड वी आर ब्लेस्ड दैट इन आवर लाइफ आई हैव मेट विद हिम, सच ए वंडरफुल पर्सन, सच ए नॉलेजेबल पर्सन एंड सच एन रिस्पेक्टेड पीपल, सबाई सब सब भलो, दीपंकर इनफैक्ट इज इज जस्ट अ गुड पर्सन, जीनियस, इज अ जीनियस, मतलब वो जा एंड ওর মধ্যে যা একটা লাইফ আছে এবং একটা প্রাণ আছে, একটা মানে প্যাশন আছে, মানে কাইন্ডনেস আছে, সেইটা আমার মনে হয় যে এটা খুব কম লোকের আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। আর মানে স্যারের সম্বন্ধে যতই বলবো ততই কম, ক্রিয়েটিভ পার্সন, ও অনেক বড় বড় কাজ করেছে, ও হেরিটেজ কাজ করেছে, ফাইভ স্টার হোটেল করছে, কিন্তু ট্যুরিজম সেক্টরে, এই বিজনেস সেক্টরে আমি ওকে বলেছি একটুখানি ওর খুব ইন্সপায়ার্ড,
ইন্টারেস্টেড সেই জন্য আমরা দীপঙ্করের নতুন জায়গায় দেখতে যাচ্ছি। প্যারেড দীপঙ্করের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য যে অনির্বাণ স্যারের মতো একজন মানুষ মানে আমরা পেয়েছি আমাদের ওটা ডিজাইনিং করার জন্য, এটা আমাদের অনেক বড় পাওয়া। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যারজি, আপকো ভি অর অমল জেঠু আপকো, মানে আপনাকে তো আমি প্রণাম জানাই। আশা করি এই প্রজেক্টটা যেটা আমরা ভাবছি, আমরা কর্মসূত্রে প্রায় পুরো পৃথিবী আমাদেরকে ঘুরতে হয়, এইরকম এভিয়ারি আমি বিদেশে যে খুব বেশি দেখেছি তা নয়, কিন্তু কলকাতা থেকে প্রত্যন্ত বকখালিতে এসে এই ধরনের একটা পরিবেশ পাওয়া, বিশেষ করে মিস্টার দীপঙ্করের সঙ্গে সান্নিধ্যে আসা, এটা আমার কাছে সৌভাগ্য। ওনার পরিকল্পনা হোয়াট এভার হি হ্যাজ উইল ডেফিনেটলি টেক ইট টু দ্য আর্ট অফ দ্য স্টেট লেভেল, ইন্টারন্যাশনাল যো ভি স্ট্যান্ডার্ডস হ্যায়, আর ইয়ে যে রুরাল ট্যুরিজম ইকো ট্যুরিজম হ্যাঁ, তো ইয়ে সব কনসেপ্ট মিলাকে হাম লোক এসা এক হেভেন এক সার্চ বানায়েঙ্গে, এই হাম লোক কা কোশিশ হ্যায়, যাহাঁ পে আদমি আয়েগা তো সোচেগা কে এক দুসরা কুছ দুনিয়া মে, এক দুসরা দুনিয়া মে হাম লোক আগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অর থ্যাংক ইউ, জুড়ে রইয়ে প্যারেড দীপঙ্কর ইউটিউব চ্যানেল কে সাথ, অর কেয়া কেসে বন রা হ্যায় স্যার জি কা কেয়া প্ল্যানিং হ্যায়, অর অমল জেঠু তো হাম লোক কে সাথ হ্যায়, অমল জেঠু হ্যায় মতলব কোই ভি মুশকিল মুশকিল নেই হ্যায়, সব ইজিলি আসান হো জাতা হ্যায়, কুছ ভি হ্যায় সলিউশন স্যার জি কে পাস হ্যায়, মেন্টালি হো অর বাহার কা কুছ ভি হো, স্পিরিচুয়ালি হো সেন্টিমেন্টালি হো সব কুছ। और तो फाइनली हम लोगों का थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया है, और सर जी से मैं कहना चाहूँगा आप थोड़ा सारे ऑडियंस के लिए बता दीजिए, ये जो जगह है ये सही है या परफेक्ट है या कुछ कम रह गया? ये प्लेस और इसका साइट प्लान जो मैंने देखा एकदम, पहले मैं जो बात कहना चाहूँगा, वास्तु वाइज बाय डिफॉल्ट दिस लैंड इज वेरी प्योर, बहुत अच्छा है। मैं अगर वास्तु का हिसाब से प्लानिंग करूं तो ऑलरेडी इसका बहुत सारा प्लस पॉइंट्स है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ इसका मेन एंट्रेंस है, साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो सबसे ऊंचा एरिया बाय डिफॉल्ट ही हम लोगों को मिल रहा है, वाटर बॉडी भी वास्तु मिला के है, और बाकी लैंड का जो शेप है आप सब देखेंगे दैट शेप इज ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर होने से क्या होता है, प्लानिंग करना जो भी एक्सेसरीज यूटिलिटीज एमिनिटीज जो भी है उसको प्लान में बिठाना ये सबके लिए बहुत आसान हो जाता है, या सबसे अच्छा जो होता है जो यूजर बाद में यहाँ पे आएंगे उसके लिए भी यहाँ पे लिव इन कम्फर्ट बहुत ज्यादा होता है। ये लैंड देखकर फिजिकली देखकर मुझे जो लगा है यहाँ पे स्काई इज द लिमिट, यहाँ पे बहुत सारा चीज हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोगों का स्टेट के लिए वेस्ट बंगाल का जो भी इंडिपेंडेंस है, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल पूरा इंडिया का जो भी ये बर्ड लवर जो है उसके लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन बनेगा। थैंक यू सो मच, आगे क्या होगा वो तो धीरे धीरे आप सभी को अपडेट मिलता रहेगा, लेकिन सर जी ने जो कहा वो सुन के ही ये इतना जो मेहनत लग रहा है हम लोगों ने सही दिशा पर चल रहे हैं। जगहटा आरो एक विशेष दिक्कत के खूब इम्पोर्टेंट, তার কারণ কলকাতা থেকে যারা আসবেন রাস্তা এখন যথেষ্ট উন্নত, এবং এটা হচ্ছে বকখালির রাস্তা, কারণ লোকে যারা বকখালি আসেন তাদের এখান থেকে বকখালি যেতে পারবেন, বকখালি থেকে ঘুরে এখানে আসতে পারবেন, প্রকৃতি এখানে উদার মানে চারদিকে এত সুন্দর রয়েছে, এটা পশ্চিমবঙ্গের এবং কলকাতার কাছে একটা নতুন একটা ইম্পর্টেন্ট টুরিস্ট ডেস্টিনেশন হয়ে যাবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সাব ডিভিশন এটা কাকদ্বীপ, সবকিছু অ্যামেনিটিস গ্রাম্য পরিবেশ আছে, আর যারা একটুখানি শহরতলির বা আরবান সাবারবান বা এরকম ফেসিলিটি চান বেরোলেই একটু পাবে, সেই জন্য সব দিক থেকে সুবিধে, হাসপাতাল মেডিকেল ফেসিলিটি সব কাছাকাছি আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমার মনে হয় যখন পুরো তৈরি হয়ে যাবে তখন একটা কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের এবং যারা প্রথম কাজ করে সেটা সবসময় খুব ভালো কাজ হয় এবং খুব ভালো হবে। আমার কাজটা অনেকটা ইজি যেটা করে দেবে সেটা হচ্ছে একটি স্পেশাল অ্যাট্রাকশন, সেটা হচ্ছে এভিয়ারি এবং আমাদের দীপঙ্কর বাবু, এই অ্যাট্রাকশনটা সত্যি ইউনিক, ইকো রিসর্ট বা ভালোবাসা মানুষ যে এভিয়ারি যে চালাচ্ছে সে সত্যি ভালোবাসে মানুষকে প্রকৃতিকে প্রাণীকে, এটাই চাষের কথা। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जैसे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर होगा, नहीं नाखून बहुत तेज लग जाएगा वहाँ भी दबाइएगा, ताकि जो यूट्यूब में हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों का मोबाइल अकाउंट तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है।
फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।